Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you some sentences. जो बने हैं should be और should have से what is the basic difference between both? Be का मतलब भी होता है होना और have का भी कई जगह पर आवाज होना के लिए आता है दोनों में क्या difference है ये मैं आपको कुछ sentences बनाकर दिखा रहा हूँ Let's we will begin now. फर्स्ट सेंटेंस है यू शुड बी ऑनेस्ट आप यहाँ देख सकते हैं बी का यूज़ जो होता है वो होने के लिए हुआ है इसका हिंदी में होगा तुम्हें ईमानदार होना चाहिए शुड बी का मतलब होगा तुम्हें होना चाहिए तुम्हें ईमानदार होना चाहिए यू शुड बी रेगुलर यू शुड बी परफेक्ट इन इंग्लिश यू शुड बी काइंड तुम्हें विनम्र होना चाहिए यू शुड बी पोलाइट यू शुड बी कॉन्फिडेंट शुड और बी का यूज़ जो होगा वो होने के लिए होगा तुम्हें होना चाहिए नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं शुड हैव शुड हैव का मतलब होगा तुम्हारे पास होना चाहिए जैसे यहाँ सेंटेंस दे रखा है मैंने यू शुड हैव ऑनेस्टी तुम्हारे पास ईमानदारी होना चाहिए यू कैन सी देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन शुड बी एंड शुड हैव दोनों के हिंदी में जो है वो डिफरेंस है शुड बी का मतलब होगा तुम्हें होना चाहिए और शुड हैव का मतलब होगा तुम्हारे पास होना चाहिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं यू शुड बी रिच इसका हिंदी होगा तुम्हें ईमानदार होना चाहिए और यू शुड हैव मनी इसका मतलब होगा तुम्हारे पास रुपया होना चाहिए शुड भी मतलब तुम्हें होना चाहिए और शुड बी पावरफुल तुम्हें ताकतवर होना चाहिए और यदि हम कहें यू शुड हैव पावर इसका मतलब होगा तुम्हें पावर तुम्हारे पास पावर या ताकत होना चाहिए बी के बाद जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है यह एडजेक्टिव है एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो हमारी क्वालिटी बताता है व्यक्ति अच्छा है बुरा है कैसा है जो आदमी की क्वालिटी बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं और जो सेकंड सेंटेंसेस यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं ईमानदारी पैसा पावर ये सब नाउन लेंगे तो जब आप एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं तो बी के साथ कीजिएगा और अगर नाउन आ रहा है तो उसे फिर हैव के साथ यूज़ कीजिएगा हिंदी मैंने आपको दोनों का बता दिया है शुड बी का मतलब होगा होना चाहिए और शुड हैव का मतलब होगा तुम्हारे पास होना चाहिए यदि यहाँ पर आपको कहना है कि उसके पास होना चाहिए तो यू की जगह ही का यूज़ कर लीजिए हमारे पास होना चाहिए तो फिर वी से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं वी शुड बी ऑनेस्ट हमें ईमानदार होना चाहिए और हमारे पास ईमानदारी होना चाहिए तो वी शुड हैव ऑनेस्टी वी शुड हैव पावर वी शुड हैव मनी वी शुड हैव लग्जरी लाइफ स्टाइल वी शुड हैव कॉन्फिडेंस हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस तरह से आप अपने खुद के और भी सेंटेंसेज बना सकते हैं और अपने इंग्लिश को आप इम्प्रूव कर सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें दूसरों के साथ शेयर करें चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप इस तरह के और सेंटेंसेस चाहते हैं तो आप मेरी बुक ले सकते हैं इसमें मैंने नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब तीनों को ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है आप इस नंबर पर कॉल करके बुक को ऑर्डर कर सकते हैं पढ़े पढ़ाएँ देश को आगे बढ़ाएँ थैंक यू हैव अ नाइस डे